Today I am going to start 8th chapter of accountancy, that is ledger. हमने जब accounting cycle पढ़ा है तो हमने step by step सारी ही transactions जो है वो पढ़ी थी. सबसे पहले हमने transaction करनी होती है, फिर journal entries करनी होती है, उसके बाद entries के बाद जो है वो आप journal के बाद आप ledger posting करते हैं, ledger posting के बाद trial balance के बाद जो है वो आपके final accounts बनते हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आते हैं. फिर उसके बाद एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है. तो इस तरह से आपका अकाउंटिंग साइकिल चलता है. तो अकाउंटिंग साइकिल में हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स जो है वो क्या क्या होती हैं, टर्म्स जो है हम पढ़ चुके हैं. अब उसके बाद हमने जर्नल एंट्रीज भी बना ली. अब जर्नल एंट्रीज के बाद जो है एंट्रीज मतलब जर्नल के बाद जो है उसमें जर्नल में एंट्रीज ही करी जाती है. ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करी जाती है अकाउंटिंग में एंट्रीज के थ्रू. तो वो एंट्रीज भी हमें कर ली, कैश बुक भी हो गया. अब हमारा है लेजर. अब लेजर क्या होता है, लेजर जो होता है उसमें सेपरेट अकाउंट जो हमने ट्रांजेक्शन की होती है ना, जो जितने भी हमने एंट्रीज बनाई होती हैं, तो जिससे रिलेटेड वो एंट्रीज होंगी वो सारी ही जो ट्रांजेक्शन होंगी, एक जैसे कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो होंगी वो कैश अकाउंट में रखी जाएंगी. परचेजेस से अकाउंटिंग जो ट्रांजेक्शन होंगी वो परचेजेस अकाउंट में रखी जाएंगी. सेल्स से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होंगी वो सेल्स अकाउंट में रखी जाएंगी. ये सारे अकाउंट जो है वो लेजर में रखे जाते हैं. ठीक है, मतलब ये सारे जो अकाउंट बनेंगे वो किसमें बनेंगे, लेजर में. फिर जब लेजर बन जाता है, प्रिपेयर कर लिया जाता है, तो उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है. जो हमने जैसे परचेजेस अकाउंट बनाया है, तो परचेजेस अकाउंट का लास्ट वाला जो अमाउंट होगा, जो उसका जो समराइजेशन होती है, उसको हम आगे ट्रायल बैलेंस में बताते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर. अब लेजर होता क्या है, लेजर जो है वो क्या है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स है एंड बिजनेसमैन कैन नॉट वर्क विदाउट इट. मतलब लेजर जो है वो क्या है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है और एक बिजनेसमैन जो है वो इसके बिना काम नहीं कर सकता. सेपरेट अकाउंट्स फॉर ईच इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एसेट्स लाइबिलिटी इनकम एंड एक्सपेंस आर ओपन इन द लेजर. अब सेपरेट अकाउंट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एसेट्स लाइबिलिटी इनकम एंड एक्सपेंसेस आर ओपन इन द लेजर. मतलब सेपरेट अकाउंट जो है वो ओपन किए जाते हैं किसमें, लेजर में. जैसे कि मैंने बताया कि कैश अकाउंट होगा अलग अलग, मतलब जो कैश से ट्रांजेक्शन होंगी, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन वो कैश अकाउंट में लिखी जाएंगी. परचेज से जितनी भी परचेजेस हुई होंगी तो वो परचेजेस अकाउंट में लिखी जाएंगी. जितनी भी सेल्स हुई होंगी एक पर्टिकुलर टाइम में तो वो परचेजेस अकाउंट में लिखी जाएंगी. तो सेपरेट अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं लेजर में. दस लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स विच कंप्लीट्स द डबल एंट्री ऑफ ट्रांजेक्शंस. ठीक है, मतलब लेजर क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स. क्या है ये, डिफरेंट अकाउंट्स की कलेक्शन है विच कंप्लीट द डबल एंट्री ऑफ ट्रांजेक्शन, जो कि डबल जो एंट्री है ट्रांजेक्शन की उसको कंप्लीट करती है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री इन विच ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ क्लासिफाइड मैनर. जो लेजर है इसको जो एंट्रीज होती हैं उनको फाइनल एंट्रीज भी बोली जाती है. जो ट्रांजेक्शन की जाती हैं उनको, उनकी जो फाइनल एंट्री होती है वो लेजर में ही की जाती है. आर रिकॉर्डेड इन क्लासिफाइड मैनर, और जो जो ट्रांजेक्शन होती हैं, एंट्रीज होती हैं, उनको एक क्लासिफाइड मैनर जो है उसमें शो किया जाता है. सो दैट बिजनेस इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड इजिली. जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है वो इजिली कलेक्ट की जाती है एंड एज पर रिक्वायरमेंट टू प्रेजेंट देयर चेंजेस एंड इफेक्ट ऑन द बैलेंस शीट. तो लेजर क्या है, लेजर जो है एक प्रिंसिपल बुक है जिसमें डिफरेंट अकाउंट जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, रखे जाते हैं. एक जैसे ट्रांजेक्शन जो है एक अकाउंट में रखे जाते हैं. तो लेजर जो है, फिर यहां से इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स है. इसमें हर चीज के अलग अलग अकाउंट होंगे, इंडिविजुअल के, इंस्टीट्यूशन के, एसेट्स के, जो आपके इनकम्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, इनके अलग अलग अकाउंट्स होंगे, वो लेजर होता है.
लेजर की डेफिनेशन, लेजर की डेफिनेशन आपको एक है, वो डेफिनेशन जो है वो लर्न होनी चाहिए. लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल बुक ऑफ अकाउंट्स. इट इज द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल द एंट्रीज. इन इट ईच आइटम हैज अ सेपरेट अकाउंट. इसमें हर आइटम का एक सेपरेट अकाउंट होता है. विद द हेल्प ऑफ द बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो मैं अभी रीड कर रही हूँ. विद द हेल्प ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट, जो लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेस होंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फाइनल अकाउंट्स जो है इनकी हेल्प से प्रिपेयर किए जाते हैं. जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो कब प्रिपेयर किए जाते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर. एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं. फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? ट्रेड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो वो जो लेजर के जो बैलेंसेस होते हैं ठीक है, उन्हीं से जो है वो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं. डिफरेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनल अकाउंट्स. सम इंपोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ लेजर्स आर, अब कुछ इंपोर्टेंट आपको डेफिनेशंस दी हैं लेजर की. फर्स्ट इज लेजर इज द चीफ बुक ऑफ अकाउंट्स. तो लेजर क्या है? चीफ बुक ऑफ अकाउंट्स है, मतलब इसकी लेजर जो है वो अकाउंट्स की मेन बुक है. कौन बोलता है, किसके अकॉर्डिंग है ये, किसने दी है डेफिनेशन? रोलैंड. अकॉर्डिंग टू रोलैंड लेजर इज द चीफ बुक ऑफ अकाउंट्स. नेक्स्ट डेफिनेशन है जो क्रॉपर ने दी है. तो एलजी क्रॉपर ने क्या डेफिनेशन दी है? द बुक विच कंटेन्स अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड लेजर. एक ऐसी बुक जिसमें जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो क्लासिफाई की जाती है और उनका परमानेंट रिकॉर्ड होता है, उस बुक को क्या बोलते हैं? लेजर. तो आपको फोर डेफिनेशन है, फोर में से आप कोई भी टू लर्न कर सकते हैं. तो एक तो रूल एंड की होगी और एक तो प्रॉपर की होगी, तो आप ये लर्न कर लेंगे. नेक्स्ट इज लेजर और अकाउंट क्या होता है? अकाउंट हमें पता है कि क्या होता है. अकाउंट होता है वो टी शेप में होता है और वो उसमें सारी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड की जाती है, और अकाउंट जो है वो सेपरेट आइटम के बनते हैं. लेजर जो है, लेजर क्या है? लेजर जो है वो उसमें सभी अकाउंट डिफरेंट आइटम्स के अकाउंट जो है वो सेपरेट जो है वो बनाए जाते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन जर्नल एंड लेजर. रिलेशन क्या है? इसको रिलेशन और डिफरेंस दोनों ही बोल सकते हैं. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर, तो भी आप यही डिस्कस करेंगे, यही आप लिखेंगे. और अगर ये क्वेश्चन आता है रिलेशन, तो रिलेशन भी आप ऐसे ही शो करेंगे, क्योंकि यहाँ डिफरेंस भी बताया गया है साथ. तो क्या डिफरेंस होता है? हम जर्नल भी पढ़ चुके हैं और हम लेजर भी डिस्कस कर चुके हैं. तो क्या डिफरेंस होगा? जब भी आपको अगर डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है, तो आपने डिफरेंस वाला क्वेश्चन कैसे करना है? सबसे पहले आप सीरियल नंबर, बेसिस से पहले अगर सीरियल नंबर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3 जो भी होते हैं. उसके बाद फिर बेसिस, किसके बेस पे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं या किसके बेस पे आप रिलेशनशिप बता रहे हैं दोनों के बीच, वो लिखेंगे. उसके बाद फिर आपका जर्नल, फिर लेजर. जो आपको पहले डिफरेंशिएट में पूछा गया है कि पहले अगर लेजर पूछा है तो हमें लेजर लिखना है पहले, अगर हमें जर्नल पूछा है यहाँ पे तो हमें पहले जर्नल लिखना है देन लेजर. उसके बाद हमारा सबसे पहले जो है बेस क्या होगा? अब बेस जो है इसमें बुक बोला है ठीक है, बुक. अब जर्नल में क्या होगा? बिजनेस ट्रांजेक्शन आर मस्टली रिकॉर्डेड इन इट. जो जर्नल है, जर्नल में क्या होता है? सबसे पहले जो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होती है वो सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? जर्नल में. तो ये कौन सी बुक हुई? सबसे पहले रिकॉर्ड करने वाली बुक जो होती है वो कौन सी होती है? जर्नल. अब ट्रांजेक्शन तो हमें दी होती है, जैसे सेल और परचेज की दी होंगी, डिस्काउंट की होंगी, बिजनेस ओपन करने की होंगी, तो वो ट्रांजेक्शन तो हमें दी होंगी. वो फर्स्टली कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी? एंट्रीज कहाँ करते थे हम? जर्नल में करते थे ठीक है. तो यहाँ पे जो फर्स्टली बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्टली रिकॉर्डेड इन इट, किसमें? जर्नल में.
नेक्स्ट लेजर क्या होता है, फाइनल एंट्रीज आर मेड इन इट। लेजर में क्या किया जाता है, फाइनल एंट्रीज जो है वो बनाई जाती है इसमें लेजर में। तो डिफरेंशिएट हो रहा है और रिलेशन भी शो हो रहा है यहाँ पे। तो लेजर जो है जर्नल जो है वो फर्स्टली रिकॉर्ड की जाती है उसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन, और लेजर में फाइनल एंट्रीज जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन ये हो गया या डिफरेंस ये हो गया। नेक्स्ट इज इसके बेस पे करेंगे नेचर जो जर्नल है। इन दिस बुक एंट्रीज आर मेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो जर्नल है, जर्नल में हम एंट्रीज कैसे बनाते थे, कैसे करते थे हम एंट्रीज, जो हमें ट्रांजेक्शन दी होती थी ना, जैसे फर्स्ट को ट्रांजेक्शन हुई है, फिर सेकेंड को हुई है, फिर फोर्थ को हुई है, फिर सिक्स को हुई है, ऐसे से करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करते थे ना एंट्रीज। तो यहाँ पे इन दिस बुक एंट्रीज आर मेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो एंट्रीज भी कैसे बनाई जाएंगी, कैसे बनाई जाती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, और लेजर जो है, लेजर क्या है, हियर एंट्रीज आर मेड इन एनालिटिकल मैनर। यहाँ पे जो एंट्रीज बनाई जाती है वो किसके बेस पे बनाई जाती है, किस तरह से बनाई जाती है, एनालिटिकल मैनर में। ठीक है, नेक्स्ट इज एंट्री। अब जर्नल में क्या होता है, ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन डिस्क्रिप्टिव मैनर। ठीक है, मतलब जो जर्नल है उसमें जो एंट्री रिकॉर्ड की जाती है तो वो किस मैनर में की जाती है, डिस्क्रिप्टिव मैनर में, मतलब उस एंट्री के बारे में नरेशन वगैरह सब कुछ लिखी होगी। ठीक है, और लेजर में है, लेजर में क्या होता है, एंट्रीज ईच ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन अ समराइज मैनर। ठीक है, समराइज का मतलब होता है सारांश निकालना, मतलब जो यहाँ पे तो एंट्रीज बनाई जाएंगी, पूरे उसमें लिखा जाएगा कि ये एंट्रीज से रिलेटेड है, डिस्क्रिप्शन पूरी लिखी जाएगी, बट यहाँ पे जो जो लेजर में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो किसमें की जाती है, जो समराइज है इस मैनर में की जाती है। समराइज मैनर, जैसे आप अकाउंट बना रहे हैं तो अकाउंट का जो लास्ट वाला जो बैलेंस बचेगा, बैलेंसिंग फिगर, उसके बेस पे बनाए जाते हैं लेजर। इसमें एंट्रीज जो है वो समराइज मैनर में रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, और इसमें डिस्क्रिप्टिव मैनर। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड। अब जर्नल में क्या किया जाता है, रिकॉर्डिंग इज मेड डेट वाइज मेड। तो जर्नल में जो है वो रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, डेट वाइज की जाती है। मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया कि जिस डेट को जो ट्रांजेक्शन हुई है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो रिकॉर्ड की जाएंगी। अब जो लेजर है उसमें कैसे किया जाता है, रिकॉर्डिंग इज डन अकाउंट वाइज मिनिट। अब रिकॉर्डिंग जो की जाएगी, जो लेजर है, लेजर में हम जब बनाते हैं अकाउंट्स, तो वो कैसे बनाते हैं अकाउंट, जैसे सबसे पहले जो है कैश, अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होती है उसकी एंट्री। ठीक है, तो हम सबसे पहले कैश अकाउंट बनाएंगे, फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, मतलब कैश रिलेटेड जो आगे वाली एंट्रीज होंगी, जो ट्रांजेक्शन होंगी वो कैश अकाउंट में लिखेंगे, फिर कैपिटल अकाउंट, मतलब ऐसे ऐसे अकाउंट बनाते हैं अकाउंट के अकॉर्डिंग जो है वो अकाउंट जो है वो अकाउंट वाइज जो है वो मेंटेन की जाती है, रिकॉर्डिंग की जाती है लेजर में। ठीक है, नेक्स्ट इज नरेशन। नरेशन जो है वो नरेशन लास्ट में जो है हम जर्नल में क्या करते हैं, नरेशन भी लिखते हैं। नरेशन जैसे अलग अलग नरेशन, जैसे एंट्रीज होंगी, जैसे बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो हम उसको नरेट भी करते हैं जर्नल में। बट यहाँ पे नो नरेशन इज गिवन, कोई नरेशन नहीं दी जाती है, कोई लिखी नहीं जाती वहां पर नरेशन, क्योंकि अकाउंट्स बनते हैं तो नरेशन तो वहां लिखी थी वहां पर। यूनिट, इट इज अ ट्रांजेक्शन इन अ इन एन यूनिट। जो जर्नल है उसमें जो ट्रांजेक्शन होती है वो कैसे होती है, यूनिट में होती है। और जो लेजर है, इट एन अकाउंट इज एन यूनिट, मतलब जो अकाउंट है वही यूनिट होता है लेजर में। फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं, फाइनल अकाउंट्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद इट्स हेल्प। जर्नल की हेल्प से फाइनल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर नहीं किए जा सकते, बट जो आपका लेजर है, लेजर की हेल्प से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जा सकते हैं। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ जर्नल, लेजर, सॉरी, लेजर की हेल्प से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जा सकते हैं, बट जर्नल की हेल्प से जो है वो लेजर, सॉरी, फाइनल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते,
क्योंकि जो एंट्रीज हैं वो हमें एक परमानेंट कंक्लूजन थोड़ी देती है, समराइज्ड मैनर में कोई कंक्लूजन नहीं देते हैं वो, बट लेजर से हमें अलग अलग अकाउंट्स का जो समराइजेशन है वो मिल जाता है, तो उससे फाइनल अकाउंट बनाना इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट इज बेसिस। लेजर इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट, ठीक है, लेजर इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट, जो जर्नल लेजर जो प्रिपेयर किया जाता है वो जर्नल के बेस पे किया जाता है, एंड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट, और ट्रायल बैलेंस जो है वो लेजर के बेस पे प्रिपेयर किया जाता है। तो ये इसकी डिफरेंस है। अब यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस करवाती हूँ जो इनके डिफरेंसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो फर्स्टली किसमें रिकॉर्ड की जाती है, जर्नल में, और जो फाइनल एंट्रीज है वो किसमें रिकॉर्ड की जाती है, लेजर में। नेचर कैसी होती है, नेचर जो है इसमें जो एंट्रीज बनती है जर्नल में वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनती है, और इसमें जो एंट्रीज बनती है वो बनाई जो जाती है वो एनालिटिकल मैनर में की जाती है लेजर में। एंट्रीज ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन डिस्क्रिप्टिव मैनर, जो जर्नल है उसमें एंट्रीज जो है वो सारे डिस्क्रिप्टिव मैनर में शो की जाती है, और जो लेजर है उसमें जो ट्रांजेक्शन है वो समराइज मैनर में दिखाई जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। फोर्थ है रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग इज मेड डेट वाइज, जर्नल में जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो डेट वाइज की जाती है, और जो लेजर में रिकॉर्डिंग की जाती है वो अकाउंट वाइज की जाती है। तो लेजर जो है वो मोस्टली अकाउंट से ही डीलिंग होती है, लेजर में सारे अकाउंट्स ही बनते हैं, जर्नल में सारी एंट्रीज बनती है। नेक्स्ट इज परमानेंसी, बीइंग ओरिजिनल एंट्री इट इज अ टेम्परेरी रिकॉर्डिंग, मतलब ओरिजिनल एंट्री के इससे देखा जाए तो इसमें जो रिकॉर्डिंग होती है वो टेम्परेरी होती है। बीइंग फाइनल एंट्री इट इज अ परमानेंट रिकॉर्डिंग, फाइनल एंट्री जो है इसमें जो लेजर है इसमें परमानेंट रिकॉर्डिंग की जाती है। प्रोसेसिंग, द प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग, अब देखो जर्नल में जो रिकॉर्ड किया जाता है ना, जो एंट्रीज बनाई जाती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग को क्या बोलेंगे, द प्रोसेस इज कॉल्ड, इसमें जो प्रोसेस होता है एंट्रीज को जो लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। और जो जर्नल लेजर है, लेजर में द प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्टिंग, ठीक है, जर्नल में जो हम एंट्रीज लिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग, और लेजर में अगर हम अकाउंट बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग को इस नाम से बोलते हैं अलग अलग करके। नरेशन, जब भी हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, एंट्रीज बनाते हैं जर्नल में, तो वहां पे जब एंट्रीज कंप्लीट होती है एक एंट्री, तो उसके बाद हमें नरेशन देनी पड़ती है, मतलब जैसे अगर परचेज की है गुड्स तो गुड्स परचेज फॉर कैश, जैसे एंट्रीज होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और नरेशन क्या लिखी जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, तो ये हमारी कंप्लीट एंट्री बनती है। अगर आप नहीं लिखते हैं एक एंट्री की नरेशन नहीं लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो नरेशन जो है वो लिखना बहुत जरूरी होती है। तो नरेशन जो है वो जर्नल में ही लिखी जाती है, नरेशन इज रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ ईच एंट्री, हर एंट्री के लास्ट में जो है वो नरेशन रिकॉर्ड की जाती है। और जो लेजर है, लेजर में नो नरेशन इज गिवन, लेजर में नरेशन की तो कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि जर्नल जो बना होता है उससे जो जो ट्रांजेक्शन हुई होती है वो हर ट्रांजेक्शन के अलग अलग अकाउंट बनते हैं, तो वहां पे नरेशन नहीं लिखी जाती है लेजर में। नेक्स्ट इज यूनिट, इन एक ट्रांजेक्शन इज एन यूनिट, जो जर्नल है उसमें ट्रांजेक्शन जो है वो किस तरह से होती है, एक यूनिट में होती है। जो लेजर है वो उसमें ट्रांजेक्शन कैसे होती है, उसमें जो ट्रांजेक्शन होंगी एन अकाउंट इज, उसमें जो एक अकाउंट है वो ही यूनिट होगा, ठीक है। फाइनल अकाउंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ जर्नल, तो फाइनल अकाउंट जो है वो जर्नल की हेल्प से नहीं बनाए जा सकते, और फाइनल अकाउंट लेजर की हेल्प से बनाए जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि लेजर जो है वो समराइज मैनर में बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। इसलिए बेसिस क्या है, जो लेजर जो है, ये वाला लेजर जो है वो जर्नल के बेस पे बनाया जाता है, ठीक है। और लेजर से अगर लेसन आपका ट्रायल बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस जो है वो लेजर के बेस पे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इनका इसका रिलेशन, इनका रिलेशन भी है और डिफरेंस भी है। तो बेसिस में क्या लिखेंगे, लेजर इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट, यानी कि ये लेजर जो है वो जर्नल के बेस पे बनाया जाता है, एंड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट, और जो ट्रायल बैलेंस है यानी कि लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है वो किसके बेस पे बनाया जाता है, लेजर के बेस पे। तो
इस तरह से रिलेशन और डिफरेंस जो है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस क्या होंगे लेजर के? लेजर के एडवांटेजेस जो हैं वो फर्स्ट एडवांटेजेस है। अब लेजर को हमें पता लगे कि लेजर होता क्या है। लेजर जो है उसमें सेपरेट सेपरेट अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, किस मैनर में, समराइज्ड मैनर में। तो लेजर से हमें क्या क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, क्या एडवांटेजेस होंगे? फर्स्ट इज नॉलेज ऑफ बिजनेस रिजल्ट्स। ठीक है, बिजनेस रिजल्ट का नॉलेज हो जाता है। ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एन आइटम आर रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट अकाउंट इन द लेजर। ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एन आइटम आर रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट अकाउंट इन लेजर सो दैट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ बिजनेस कैन इजिली बी ऑब्टेन। मतलब लेजर में जो है वो हर ट्रांजेक्शन के अलग अलग अकाउंट बनते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो वो इजिली जो है वो ऑब्टेन की जा सकती है। दीज इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम अदर बुक ऑफ अकाउंट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वहां से नहीं मिलेंगी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो कहां से मिलती है? लेजर से। ठीक है, नेक्स्ट है, तो फर्स्ट क्या एडवांटेजेस होती है? नॉलेज ऑफ बिजनेस रिजल्ट। जो बिजनेस रिजल्ट है उसका उनका नॉलेज हो जाता है किससे? लेजर से। नेक्स्ट इज प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जैसे कि हमने पढ़ा है कि अब प्रेपरेशन कैसे होगी? ट्रायल बैलेंस जो है इसकी हेल्प से बनता है। किसकी हेल्प से? लेजर की हेल्प से। तो जो लेजर है, लेजर जो बनाया जाता है वो किसकी हेल्प से बनाया जाता है? जर्नल की हेल्प से। और जर्नल की हेल्प से लेजर बनता है, लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनता है। तो अब प्रिपेरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अब ट्रायल बैलेंस बनाना होता है तो उसमें भी हेल्प होती है लेजर। ठीक है, लेजर ऑल्सो हेल्प इन प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सो दैट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स कैन बी टेस्टेड। ठीक है, लेजर इज ऑल्सो हेल्प, लेजर जो है वो हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस बनाने में, तो जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है वो चेक हो जाती है विद द हेल्प ऑफ लेजर। तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है, ये एडवांटेजेस है। नेक्स्ट इज प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो उसमें क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उनको बनाने में भी लेजर जो है वो हेल्प करता है। इट इज कंपल्शन फॉर एवरी बिजनेसमैन टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। इट हैज थ्री एडवांटेजेस। ठीक है, उसके थ्री एडवांटेजेस। वन इज दैट इट फुलफिल्स द गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स। सेकेंडली इट रिवील्स द नेट प्रॉफिट और लॉस। एंड फाइनली प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजिशन। लेजर इज वेरी यूजफुल इन प्रिपेरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स बनाने में लेजर जो है वो बहुत हेल्प करता है। ये जो गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको भी फुलफिल करता है। और ये एंड ऑफ द ईयर जो है वो बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन कैसी है, उसको भी शो करने में, रिवील करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम इन लेजर। मतलब लेजर से क्या होता है? इनकम और एक्सपेंसेस का नॉलेज भी हो जाता है। तो इन लेजर अ सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्योंकि जो लेजर में हर आइटम का एक अलग अलग अकाउंट बनता है, जैसे कि इनकम का अलग से बनेगा, एक्सपेंडिचर का अलग से बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का। दस इट enables us now know the income earned from an item and expenses incurred on an item। मतलब उससे क्या है, हमें knowledge हो जाता है कि एक item पर कितना expenses है और कितना income हुई है। तो knowledge of expenses और income ये भी क्या है? advantages है। इससे जो ledger है उससे हमें expenses और income का knowledge हो जाता है। नेक्स्ट इज ओवरकमिंग द लिमिटेशंस ऑफ जर्नल। जो जर्नल की जो लिमिटेशंस हैं जो लेजर है उसको पूरा करता है। तो लेजर फुलफिल्स
all those objects which are not fulfilled by the journal. तो जो ledger है वो उन objects को fulfill करता है जिसे journal जो fulfill नहीं कर सकता. ठीक है. Journal does not provide complete description of all the transactions relating to an item easily. जो journal है वो complete description जो है सभी transactions की provide नहीं करा सकता easily and in a summarized form. और summarized form में नहीं करा सकता. ठीक है. The ledger has this benefit. Ledger के पास जो है वो ये benefit जो है वो है. तो ledger के कितने benefits हैं या advantages हैं? 5. कौन कौन से हैं? Knowledge of business result का knowledge हो जाता है. Second is preparation of trials की बनाया जा सकता है with the help of ledger. और third है preparation of final accounts बनाए जाते हैं with the help of ledger. बहुत important role रहता है ledger का final accounts बनाने में. Next is knowledge of expenses and income और expenses का नॉलेज हो जाता है. ओवरकमिंग द लिमिटेशंस ऑफ जर्नल. और जर्नल जो चीजों जो आइटम्स जो है जो इन्फॉर्मेशन रह जाती है जर्नल से प्रोवाइड करवाने में, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जर्नल लेजर जो है वो प्रोवाइड करवाता है. थैंक यू.